हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ यूट्यूब। तो गाइस आज का जो ये वीडियो है ये असल में मेरी एक दूसरी स्केल मॉडल की रेस्टोरेशन के ऊपर है। तो गाइस ये तकरीबन 5 या 6 साल पहले की बात है। मैंने एक सेंटी टॉयज की मारुति सुजुकी 800 कार को ख़रीदा था। वेल उसका खरीदे काफ़ी समय पहले, मतलब काफ़ी साल पहले मैंने वो ख़रीदा था। वेल जब हमने अपनी रियल मारुति को ख़रीदा था उसके सिर्फ 5 या 6 महीने बाद या 4 5 महीने बाद ही मैंने उस कार को ख़रीदा था। तो गाइस फ़िलहाल मैं आपको कार दिखाऊंगा कि वो कार फिलहाल कैसी कंडीशन में है। तो गाइस वो कार है टैंडरन। तो ये है वो कार जिसे मैंने काफ़ी समय पहले ख़रीदा था, फुल रीपेंटेड। तो गाइस ये कार ओरिजिनल भी ब्लू कलर की ही थी, लेकिन हाँ ये थोड़ी डार्क ब्लू कलर की थी। मैंने इसे एक्रेलिक कलर से ब्लू किया था, लेकिन आप फिलहाल आप इसकी कंडीशन तो देख ही सकते हैं। तो गाइस ओरिजिनल की कार ऐसी नहीं थी, बल ब्लू तो थी लेकिन वो डार्क ब्लू कलर की थी, बोले मैंने आपको बताया है। बम्पर्स भी ब्लैक थी, मैंने उन्हें बॉडी कलर कर दिया था। ये साइड की ये सब भी मैंने बाद में किया था, ये वाली ब्लैक जो कि अब ऑलमोस्ट रुइन हो गई है। तो गाइस फिलहाल आप कार की कंडीशन देख ही सकते हैं। और हाँ एक सामने एक बम्पर भी डाली थी, एक ग्रिल क्रोम कर दी थी, कुछ ऐसे ही मॉडिफिकेशन की थी ताकि ये कार दिखने में थोड़ी और यूनिक दिखे। लेकिन अब आप इसकी कंडीशन तो देख ही सकते हैं कि फिलहाल ये कार किस कंडीशन में है। तो गाइस उससे पहले कि मैं कार के बारे में आपको और कुछ बताऊं, चलिए इस कार का एक रिव्यू ले लेते हैं। हाँ तो मेरे ख्याल से और लंबी रिव्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप तो इस कार की कंडीशन वाली देख ही सकते हैं। इसकी जो आप कलर देख सकते हैं सब ये रीपेंटेड है, जिसकी वजह से जो कलर थी वो बहुत बुरी तरह से, मतलब मैंने इस कार को रिपेंट किया था तब इसकी सन्यासी नहीं थी, लेकिन ये काफ़ी समय से मेरे एक शोकेस में पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से धूल लगने के कारण इसके साइन पूरी तरह से गायब हो गया। आप देख सकते हैं कि इसमें आप साइन का नामो निशान तक नहीं है। ये देखिए कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं। हाँ इसकी विंडो में अब थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्शन बाकी है, लेकिन वो भी काफ़ी बहुत ऑलरेडी जा चुका है। साइड में थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन अभी भी है, लेकिन आप देख सकते हैं बॉडी काफ़ी वॉर्न हो गई है। यहाँ पर मैं जो स्टिकर्स लगाई थी ये सब भी देखिए इस तरह से निकल आई है सब। तो गाइस मैंने इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन भी की थी, जैसे कि ये सब व्हील्स आप देख सकते हैं सब क्रोम है। ओरिजिनली सेंटी टॉयज की मारुति में ये सब व्हील्स ग्रे कलर की आती थी, मतलब ग्रे नहीं थोड़ी क्रीम कलर की, लेकिन आप देख सकते हैं इस कार में मैंने उन सबको क्रोम कलर की थी। ये सब मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया था, लेकिन फिर भी अब इसमें मॉडिफिकेशन का तो कोई मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और हाँ इसमें जब बेजेस भी लगाई थी, नंबर प्लेट भी बदल दिया था, लेकिन फिर भी आप इस कार को एक पूरी तरह से एक फुल रेस्टोरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को बहुत ही पुरानी स्केल मॉडल्स में से एक है। वेल इतनी पुरानी नहीं है लेकिन फिर भी, इसीलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि इस कार को बिल्कुल पहले जैसा यूनिक बनाया। तो गाइस अब मैं कार की कलर बदलने की सोच रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी कलर जो मैंने जो स्काईलाइन में जो कलर की थी वो ब्लू कलर, मेटालिक ब्लू, मैं सोचता हूँ कि क्योंकि इसमें कलर वैसे भी परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैं इस बार इससे रैपिंग करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि कलर कभी भी परफेक्ट नहीं होता है और कलर हमेशा वॉर्न ही हो जाता है समय में। तो इसलिए रैपिंग ही ज़्यादा बेटर होगा, रैपिंग की कलर भी ज़्यादा मेटेलिक होगा, शाइनी होगा, बिल्कुल ओरिजिनल कलर की तरह। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी कलर पूरी तरह से मेटेलिक ब्लू कर दूंगा, बम्पर सिल्वर होगा, रूफ भी सिल्वर होगा, और सबसे जो साइड की इससे मैंने ब्लैक कर दी थी वो सब सिल्वर होगा। सब ये सब पार्ट्स तो वैसे भी फिलहाल परफेक्ट कंडीशन में है, तो इसलिए कुछ पार्ट्स इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सब क्रोम ग्रिल। ये व्हील्स तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें बदलने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसके जो रबर, ये सब ओरिजिनल रबर टायर्स थी, मतलब ये ओरिजिनल टायर्स थी जो कि कार के साथ ओरिजिनली आया था। ये सब रबर की है जिसकी वजह से सब फट गई है, मतलब फटी नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी बहुत पुरानी हो गई है। तो अब इसके बम्पर्स तो वैसे मैंने बॉडी कलर की थी, लेकिन इस बार मैं बॉडी कलर करने की सोच नहीं रहा हूँ, इस बार सिल्वर बम्पर शायद ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो चलेगा आज अभी के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने कार में और क्या क्या बदल दिया, क्या इसमें काम कितना तक शुरू किया। और अगर आपको वीडियो इसमें पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।